आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। उद्योग भवन में आग लगने की खबर है। दिल्ली के उद्योग भवन में आग लगी है, ऐसी खबर इस वक्त मिल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं, कई मंत्रालयों के दफ्तर उद्योग भवन में हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के उद्योग भवन से। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त वहां पर पहुंच गई हैं। पांचवीं मंजिल पर आग लगी है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। सरकार के कई मंत्रालयों के दफ्तर उद्योग भवन में हैं और हम तस्वीरें देख रहे हैं कि दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, स्टील, इस तरह के कई मंत्रालय हैं जिनके दफ्तर इस बिल्डिंग में है। शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी से आग फैली, ऐसी खबर वहां से मिल रही है। क्या किस तरीके की खबर आई थी आप लोगों के पास, इन्फॉर्मेशन क्या आई थी? हमारे यहाँ उद्योग भवन में पांचवी मंजिल पर आग लगी है। यहाँ आके देखा, स्प्लिट एसी में आग थी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, बाकी कुछ नहीं था। तो वो सब आग पूरी तरह बुझा दी गई है, किसी तरह का कोई जान माल का कोई और नुकसान नहीं है। ठीक है, जब कितने फायर टेंडर आप लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉय किए थे? करीब 7 फायर टेंडर और उसमें एक ब्रांटो बड़ी गाड़ी। ठीक है, अभी फिलहाल जो है ठीक है, आग बुझ गई, आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। ठीक, आपका नाम सर? सब ऑफिसर राज सिंह। इस वक्त वरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, कई अहम मंत्रालयों के दफ्तर उद्योग भवन में हैं, क्या आग पर पूरी तरह से काबू अब पा लिया गया है? क्या कोई अंदर फंसा हुआ था जिस वक्त आग लगी? देखिए तान्या, बिल्कुल जिस समय ये आग लगी उस समय जो ऑफिस में जो लोग थे उनका पहुंचना शुरू हो चुका था। बड़ी संख्या में जो स्टाफ था वो पहुंच चुका था। जैसे ही बिल्डिंग के 5th फ्लोर से धुआं निकलता हुआ देखा गया, फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आग पर तान्या पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। एसी में शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन ये बताइए कि पांचवी मंजिल पर जहां पर आग लगी थी वो कौन से मंत्रालय का दफ्तर था, क्या ये साफ हो पाया? क्योंकि कई अहम फाइल्स भी हो सकती हैं जो कि उस जगह पर मौजूद हो जहां पर ये आग लगी। देखिए तान्या, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उद्योग भवन में सारे अहम मंत्रालय है, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि उस पर्टिकुलर कौन सा मंत्रालय था। लेकिन एसी में जो ये आग लगी थी इसमें अभी धुआं ही निकला था तान्या, कि आग ने कोई बड़ा रूप धारण नहीं किया था, इसलिए ये बात बताई जा रही है कि किसी तरीके की कोई बड़ी आग नहीं थी। जो फाइलें हैं वो सभी सुरक्षित है, लेकिन एसी में जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसके धुआं निकलना शुरू हो गया था। धुआं की वजह से ही जब धुआं बढ़ने लगा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल की गई थी। तो फिलहाल किसी को नुकसान नहीं हुआ है, कोई बड़ी वहां पर किसी तरह की घटना होने से बच गई है और फायर ब्रिगेड ने पहले ही आग को काबू पा लिया। जी बिल्कुल वरुण, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो एसी से आग लगी ऐसा माना जा रहा है और अब आग पर काबू पा लिया गया है। आग ज्यादा फैली नहीं थी, ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी खबर इस वक्त उद्योग भवन से मिल रही है। आगे